देखिए संविधान की रक्षा की गई थी, कोर्ट के आदेश का पालन हुआ था, कोर्ट के आदेश का पालन। तो बताओ वहां पर जो विवादित ढांचा था, जो बाबरी मस्जिद थी, तो बताओ उसका अगर इन लोगों ने तोड़ा था तो वहां के प्रशासनिक की जिम्मेदारी थी कोर्ट के अनुसार स्थिति बनाए रखनी थी। ये देखिए संविधान को मानते नहीं, लोकतंत्र को मानते नहीं, सभी संस्थाओं पर कब्जा करते, ईडी सीबीआई धरा के धमका के सबको खत्म कर रहा, आरोप लगा रहा है राम मंदिर में कि कार सेवकों पे गोली समाजवादियों ने चलवाई थी तब उनकी सरकार थी, तो अब ये इस तरह से अब राम की बात भी करने लगे हैं, मंदिर की बात भी। इस आरोप को कैसे आप देखिए संविधान की रक्षा की गई थी, कोर्ट के आदेश का पालन हुआ था, कोर्ट के आदेश का पालन, ये तो झूठ बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के, केवल झूठ बोलते हैं। बताइए कोर्ट का आदेश का पालन हुआ, संविधान की व्यवस्था हुई? जब जत्री वहां पर जब कोर्ट का स्टे था, यथास्थिति बनाए रखने थी, तो बताओ वहां पर जो विवादित ढांचा था, जो बाबरी मस्जिद थी, तो बताओ उसका अगर इन लोगों ने तोड़ा था तो वहां के प्रशासन की जिम्मेदारी थी कोर्ट के अनुसार यथास्थिति बनाए रखनी थी, तो किसने उस पर तो संविधान के उल्लंघन किया, किसने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए था, कार्रवाई नहीं करते हैं ऐसे भी, ये देखिए कार्रवाई नहीं करते हैं। और यहाँ बताइए पूरी की संस्थाएं, जितनी मुनाफे की संस्थाएं थी सब पर कब्जा है, पूंजीपतियों कुछ ही पूंजीपतियों को, केवल दो पूंजीपतियों को बढ़ाने का काम हो रहा है उत्तर पूरे देश में। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, लेकिन देश के शंकराचार्य और तमाम सनातनी इस बात का विरोध कर रहे हैं कि अधूरा राम मंदिर बना हुआ है, इस तरीके का विरोध भी सामने आ रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं? पूरे पूरे शंकराचार्य से देखिए संत, देख ही रहे आप लोग, ये तो देखिए संतों का काम था, और भारतीय जनता पार्टी तो राजनीतिक अपना राजनीतिक वहां पर जो कार्यक्रम कर रही है केवल चुनाव की दृष्टि से, ये तो संतों का काम है, शंकराचार्यों का काम था। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता पूजा पद्धति को बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं इसकी आड़ में? ये देखिए संविधान को मानते नहीं, लोकतंत्र को मानते नहीं, सभी संस्थाओं पर कब्जा करते, ईडी सीबीआई डरा के धमका के सबको खत्म करना चाहते। सर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है, ये लोग उद्घाटन कर रहे हैं, कैसे देखते हो? सनातन धर्म मानने के बावजूद प्राण प्रतिष्ठा होती है, उद्घाटन कर रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक का कार्यक्रम है भारतीय जनता देश के दयासम पहले तो राजनीतिक। क्या लग रहा है कि लोकसभा चुनावों से पहले ईडी सीबीआई का और बड़ा दुरुपयोग शुरू होने की? दुरुपयोग तो हो ही रहा है, लगातार दुरुपयोग हो रहा है। केजरीवाल के पास चौथा नोटिस पहुंचा, सम्मान ईडी का, लेकिन फिर भी केस नहीं हो रहे हैं, ऐसा भी सत्ता पर आरोप लगा रहे हैं कि ये जानबूझ के नहीं कर रहा है। तो उन्होंने कहा तो है कि हम और हमारे माँ और पत्नी और उनके सबके साथ जाएंगे, माँ के पिता के साथ जाएंगे, शाम तक केवल होगा ही हो रही है। आरोप लगा रहा है राम मंदिर में कि कार सेवकों पे गोली समाजवादियों ने चलवाई थी तब उनकी सरकार थी, तो अब ये इस तरह से अब राम की बात भी करने लगे हैं, मंदिर की बात भी। इस आरोप को कैसे आप देखिए संविधान की रक्षा की गई थी, कोर्ट के आदेश का पालन हुआ था, कोर्ट के आदेश का पालन, ये तो झूठ बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के, केवल झूठ बोलते हैं। बताइए कोर्ट का आदेश का पालन हुआ, संविधान की व्यवस्था हुई? जब जत्री वहां पर जब कोर्ट का स्टे था, यथास्थिति बनाए रखने थी, तो बताओ वहां पर जो विवादित ढांचा था, जो बाबरी मस्जिद थी, तो बताओ उस पर अगर इन लोगों ने तोड़ा था
तो वहाँ के प्रशासनिक की जिम्मेदारी थी इस कोर्ट के अनुसार यथास्थिति बनाए रखनी थी, तो किसने उस पर तो संविधान के उल्लंघन किया, किसने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए था। कार्रवाई नहीं करते हैं ऐसे भी, ये देखिए कार्रवाई नहीं करते हैं। और यहाँ बताइए पूरी की संस्थाएं जितनी मुनाफे की संस्थाएं थी सब पर कब्जा है, ठीक है, पूंजीपतियों कुछ ही पूंजीपतियों को, केवल दो पूंजीपतियों को बढ़ाने का काम हो रहा है उत्तर प्रदेश पूरे देश में। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है लेकिन देश के शंकराचार्य और तमाम सनातनी इस बात का विरोध कर रहे हैं कि अधूरा राम मंदिर बना हुआ है, इस तरीके का विरोध भी सामने आ रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए पूरे पूरे शंकराचार्य से देखिए संत देख ही रहे आप लोग, ये तो देखिए संतों का काम था और भारतीय जनता पार्टी तो राजनीतिक अपना राजनीतिक वहाँ पर जो कार्यक्रम कर रही है केवल चुनाव की दृष्टि से, ये तो संतों का काम है, आज शंकराचार्यों का काम था। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता पूजा पद्धति को बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं इसकी आड़ में? ये देखिए संविधान को मानते नहीं, लोकतंत्र को मानते नहीं, सभी संस्थाओं पर कब्जा करते, ईडी सीबीआई डरा के धमका के सबको खत्म करना चाहते। सर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है ये लोग उद्घाटन कर रहे हैं, कैसे देखते हो? सनातन धर्म मानने के बावजूद प्राण प्रतिष्ठा होती है उद्घाटन कर रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक कार्यक्रम है भारतीय जनता देश के।